हो सकता है कि तुम्हारी माई के अचानक से बिना बताए चले जाने की वजह से तुम्हारे दिमाग को गहरा सदमा लग गया है, जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग अजीब अजीब सी कल्पनाएं कर रहा है। मैं कोई कल्पना नहीं कर रही, ना ही कोई सदमा, भ्रम या गलती है। मैं कहानी नहीं बना रही, सच बता रही, आंखों देखा सच, जो तुम्हारे मानने ना मानने से बदल नहीं जाएगा। मेरा सच मेरे साथ है, और मैं जानती हूं जो सबके सामने है वो अधूरा सच है। चलो मान लिया कि तुमने जो देखा वो सच है, ननकू काका जो कह रहे हैं वो झूठ है, तुमने जो भी घाव उनके शरीर पर देखे, जो एम्बुलेंस थी वो सब कुछ झूठ है, तुम्हें दिखाने के लिए एक नाटक था, मान लिया। अभी क्या? वही तो पता करना है ना खाद बाबू। पता लगाने के लिए कुछ नहीं है रज्जो, एक बार सोचो तुम क्या कह रही हो। सोच समझ के सवाल किए थे मैंने नीचे, मुझको पता है, माजी को सच का पता है। अरे तो क्या इस बात के लिए भी तुम हमें ही गलत ठहराओगी? मैंने ऐसा कब कहा माजी? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि माई और नंगू काका के साथ जो भी हुआ है ना, उसके बारे में तुमको जरूर कुछ ना कुछ पता है, जो तुम मुझसे छुपा रही हो। रज्जो, ये सब शुरू हुआ था ना, तब हमने डिसाइड किया था कि हम इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देंगे, हम इस रिश्ते को एक नई बुनियाद देंगे। लेकिन एक नए रिश्ते की बुनियाद बनाने की बजाय तुम घर के सारे रिश्ते तोड़ रही हो रज्जो। रज्जो आज शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।